हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और उस टाइम पे आपको ये पता लगे कि गाड़ी का जो पेट्रोल है वो खत्म हो गया, आप क्या करोगे उस कंडीशन के अंदर? भाई सीधी सी बात है, आप गाड़ी साइड में लगाओगे, पेट्रोल का अरेंजमेंट करोगे कि पेट्रोल लाऊं और गाड़ी यहां से जो है ट्रैफिक में से निकाल लूं, गाड़ी लेके जाऊं अपनी। लेकिन अगर आपको एक चीज और पता लगे कि अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है तो ट्रैफिक पुलिस वाले आके आपका जो है चालान कर देते हैं। पहली बात तो यही शॉक लगेगा कि चालान भी हो गया भाई। तो भाई ये जो चालान जो होगा ना वो कर दिया उन्होंने आपकी गाड़ी का, अगर फ्यूल खत्म हो गया उस चीज को लेके। आप सरप्राइज हो, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, या कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है केस के बारे में। ये मैं वीडियो में क्यों बना रहा हूं, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली 2 दिन पहले ना कैसा केस हुआ है बैंगलोर के अंदर। BMW Z4 गाड़ी जिसकी थी ऑनर की, वो क्या हुआ कि बैंगलोर में जा रहे थे और वो जिस पर्टिकुलर एरिया में ड्राइव कर रहे थे ना भाई साहब, तो वहां पे बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, फ्लो करता है, तो वहां पे उसके गाड़ी का हो गया पेट्रोल खत्म, तो बंदे ने साइड में गाड़ी लगाई और पेट्रोल का जो है अरेंजमेंट करने लग गए। तो इस चीज को देख के आके जो ट्रैफिक पुलिस वाले है ना, उन्होंने आके है चालान कर दिया और चालान जो है सीधा सीधा थमा दिया। और करने के बाद प्रॉपर जो है मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ट्विटर के ऊपर एक्स के ऊपर जो है पूरी की पूरी फोटो भी शेयर कर दी कि ऐसे ऐसे करके ये जो गाड़ी है ये ट्रैफिक को जो है बाधित कर रही थी, इस वजह से जो है चालान कर दिया। अब आप पहली बात ये सोच के देखो कि ये जो चालान है क्या ये लीगल है? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है लीगल है, तभी ये चालान कटा है। तो अभी जो है ये चालान डिस्कस कर लेते हैं भाई कि ये क्यों, किस कैटेगरी के, किस सेक्शन के अंदर कटा है। तो जो IPC सेक्शन 283 है उसके अंदर जो है ना ये चालान कटा गया है। अभी चालान की जो डेफिनेशन है वो किस वे में कटा गया वो मैं आपको बताऊं। इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि अगर मान लो कोई भी पब्लिक प्लेस पे कुछ डेंजर मतलब फील होता है, कोई आप एज अ डेंजरस काम करते हो, आप अगर लगता है कि ये एज अ डेंजर का साइन है, या अगर आप पब्लिक प्लेस में ट्रैफिक को रोकते हो, बाधित करते हो, कुछ जो है ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, तो ट्रैफिक पुलिस वालों के पास अथॉरिटी होती है, वो आपका जो है चालान कर सकती है इस चीज को लेकर, ठीक है। और इसी सेक्शन के अंडर में जो है चालान हुआ है। तो अब आप सोच के देखो, अगर मान लो आपकी गाड़ी का फ्यूचर में फ्यूल खत्म हो जाता ना भाई, तो आपका चालान कट सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब मेरे को आप बताओ आप कैसा फील करोगे अगर आपके साथ में ये कंडीशन हो जाती है। तो ये लीगल है और इसकी जो पेनल्टी है वो 500 रुपए तक की है, लेकिन अगर उन्होंने जो है इम्पोज कर दिया कि भाई अब ये जो चलाने की आप कोर्ट से जाके छुड़ाओ, तो वहां पे जो ये पहुंच जाता है 500 से लेकर 10,000 रुपए तक का फटका लग सकता है। ये उस टाइम पे कंडीशन पे डिपेंड करेगा जाके, राइट। अब आप मेरे को सोचो कि यार अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो इस चीज के ऊपर भी मान लो चलान कट गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सपोज करो अगर मान लो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठीक है, टायर पंचर होने के बाद में क्या मैं अब मेरे को जो पंचर की टाती है वो रखनी पड़ेगी? ऑब्वियसली अब रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन तो कहीं भी हो सकती है। अगर मान लो मैं किसी ऐसे एरिया में निकल रहा हूं जहां पे ट्रैफिक बहुत हैवीली फ्लो कर रहा है, और कल को तो ये बोल देंगे कि भाई आप जो है एज ए ऑब्स्ट्रक्ट जो है क्रिएट कर रहे हो, ट्रैफिक जो है उसको बाधित कर रहे हो। देखो एक चीज का ना एक ये पॉइंट भी हो सकता है, आप सोच के देखो, सपोज करो मान लो बहुत हैवी ट्रैफिक जहां से फ्लो हो रहा है, वो जो है ना वो ऐसा एरिया उन्होंने बताया गया है, वहां पे आप थोड़ा उसका रिसर्च भी करना कि वहां पे जो है एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है। सपोज करो मेरे को फ्लाइट पकड़नी है, अर्जेंसी में कहीं जाना है, मैं लेट हो चुका हूं। इंडिया में तो वैसे ही साहब देखो लेट जाने का जो है प्रावधान है, एक तो मैं पहले लेट निकल रहा हूं और ऊपर से पता लगे कि जो ट्रैफिक है भाई साहब वो पूरा का पूरा फ्लो नहीं कर पा रहा है ठीक से, मैं लेट पहुंच पा रहा हूं, तो उसके बंदे के चक्कर में मेरा कहीं 1,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और पैसों तो छोड़ो, कई बार ऐसा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो भी छूट जाएगा। तो ये चीजें भी जो है ना गवर्नमेंट जो है एम्फसाइज करती है कि दूसरों की वजह से आपका नुकसान ना हो, राइट। इसके बारे में क्या समझते हो कि जो चालान कटा गया ये सही है नहीं है, आप क्या राय रखते हो उस चीज के ऊपर, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।